बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उम्मीद कर दी जी तुसी सारे वधिया होने। अज असीं लैके आए तुहाडे वास्ते वखरी जी रैसपी। अज असीं बनावांगे जी करेले गोश्त। ठीक है जी, बहुत ही वखरे जे अंदाज नाल बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इहदे वास्ते सब तो पहले जो तुसी करेले लै लैने आ, ठीक है, इस तरीके दे नाल। ठीक है, इहनां नूं वधिया जिहा तुसी धो लैणा, सोहना जिहा धो के ते इहनां नूं जी असीं तैयार कर लैणा। ठीक है, तो इन्हों हूँ असी इस तरीके जी गोल गोल कट लेना। तुम अपनी मर्जी के नाल जो भी तुसी तरीके नाल कटना चाहो कट लो। ठीक है जी, नाल सानू सारी चीज़ें चाहिए, प्याज चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए, टमाटर चाहिए, नाल सानू चिकन चाहिए। ठीक है जी, तुसी अपने मर्जी के नाल कोई भी गोश्त विच शामिल कर सकते हो। ठीक है, सब तो पहले जी असी कढ़ाई दे विच घ्यो शामिल कर लवेंगे, आयल भी शामिल कर सकते हो। तो नाल ही असी जिहड़ा ना इहदे विच करेले जिहड़े असी कट्टे हुए इन्हां नू गोल गोल कट लेना, इन्हों असी शामिल करके इन्हों वधिया जिहा असी भुन लेना। ठीक है जी, इन्हों नू वधिया जिहा फ्राई कर लेना, जिदा असी गोश्त फ्राई करीदा जो दूसरी चीज़ा फ्राई कर दें ना, इन्होंने असं फ्राई करना ताकि जी इन्हों का जी करवाहट है ना, कौड़ापन वो दूर हो जाए। ठीक है, इन्हों फ्राई करने फायदा हो जाता, तो बहुत वधिया लगते, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इन्हों आहिस्ता आहिस्ता जरा ना इन्होंने फ्राई होना, तो इन्होंने अपना रंग बदली जाना। जिमें इन्हों रंग बदली जाना ना, तुम्हें पता लग जाना कि यह वधिया जहा फ्राई हो गया। ठीक है जी, हल्की आँच से असी बिल्कुल तेज़ आँच नहीं करनी, हल्की आँच से असी इन्हों फ्राई करा। ठीक है, अगर तेज़ आँच करा तो फिर ये जल्दी जल्दी जोड़े इन्होंने जल जाएंगे, तो अच्छी तरह फ्राई नहीं होगा वधिया जी। ठीक है, असी हल्की आँच से इन्हों इस तरीके जी माशाला जी फ्राई कर लिया। ठीक है जी, अलहमदुल्ला बहुत ही मज़ेदार बनते, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। असी नाल जी इन्हों फ्राई कर लिया, इन्होंने असी एक प्लेट के कर लवेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम देख सकते हो माशाला जी इस तरीके जी असी फ्राई करने, इन्हों की करवाहट भी देखो 100% जो है ना तुम नहीं आएगी, तो बहुत मज़ेदार जोड़ा है ना ये बनने। तो इस तो बाद जी उस घ्यो जरा ना जरा प्याज है ना इनू भी असी फ्राई कर लवेंगे। ठीक है जी, प्याज शामिल करके तो इन इस घ्यो अगर थोड़ा लगे तो तुम होर शामिल कर लवो। ठीक है, आयल भी तुम लै सकते हो, ताकि अपनी मर्जी है। ठीक है जी, असी बस तुहानू रैसपी दसनी आ, बाकी तुसी चीज़ां अपनी मर्जी के मुताबिक लै लैनी। ठीक है जी, नाल इहदे विच असी अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर ते हरिया मिर्चां जिहड़ियां उह शामिल कर देणियां। सारियां चीज़ां असी शामिल करके ते इन्हां नू वधिया जिहा असी जिहड़ा ना फ्राई कर लवांगे, भुन लवांगे। ठीक है जी, बहुत ही मज़ेदार लगता है। नाल ही असं इतने शामिल कर देवे विच चिकन। ठीक है, तुसी बकरे का गोश्त भी लै सकते हो, तुसी दूसरा भी लै सकते हो, तो तुहाडी अपनी मर्जी है। अगर जिहड़ा भी तुसी गोश्त जिहड़ा विच शामिल करना चाहो कर सकते हो। ठीक है जी, रैसपी का तरीका मैं दसना, तुसी ते अपनी चीज़ा अपने मर्जी के नाल तुसी इस्तेमाल करनी है, तुसी जिहड़ा मर्जी गोश्त इस्तेमाल कर लो। इन्हां नूं भी जी असी गोश्त शामिल करके ना चिकन जिहड़ा है इहनूं शामिल करके ते असी इहनूं वधिया जिहा फ्राई कर लवांगे इहदे विच, ताकि सारियां चीज़ां दा स्वाद इहदे विच आ जावे ते वधिया जिहा सानूं अज करेले गोश्त साडे इह पक जाण। माशाला जी अलहमदुलिल्लाह इहनूं वधिया असी इस तरीके इन्हों फ्राई कर लिया। हूँ ये असं सारे मसाले शामिल कर देंगे, नमक शामिल करा, हसबे जरूरत जिन्ना तुहाडा दिल करता है। ठीक है जी, जिन्ना तुसी खाते ना ही असं दरदरी मिर्च जी ना शामिल कर देंगे, कुटी लाल मिर्च नूं कहिंदे आ, नाल असी काली मिर्च दे विच शामिल कर देंगे। ठीक है जी, नाल असी विच शामिल कर देंगे हल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे मसाले जिहड़े असी आहिस्ता आहिस्ता शामिल करी जाने। नाल असी शामिल करांगे धनिया पाउडर कुटिया होया। ठीक है जी, ये 2 चम्मच असी इहदे विच शामिल कीते आ। नाल असी शामिल कर देंगे जी जीरा पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे मसाले जी असी शामिल कर लेने आ, ते वधिया जे इन्हां नूं असी फ्राई कर लेना, भुन लेना वधिया जिहा, सारा मसाला जिहड़ा साडा तैयार हो जावे ते इहनूं आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके दे नाल असी फ्राई कर लवांगे, भुन लवांगे सारे मसाले नूं, ताकि साडा वधिया जिहा मसाला जिहड़ा ओह बन जावे। ठीक है जी, इस तरीके दे नाल माशाला अलहमदुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनोगे, बहुत ही जल्दी ते बहुत ही आसान जिहा तरीका मैं तुहानूं दस रही हां, तुसीं वी इस तरीके दे नाल बना के जरूर खायो ते बहुत ही वधिया, सभ नूं बहुत ज़्यादा पसंद आणगे। रमज़ान आ रहा माशाला जी, इस तरीके दी रैसपी बना बना के जरूर तुसीं ट्राई करो, ते इहनूं नूं जी असीं ढक के थोड़ी देर पका लवांगे, ताकि साड़ा सारा मसाला साड़ा जिहड़ा चिकन है वह गल जाए वधिया जा। ठीक है जी, अलहमदुल्ला माशाला जी बहुत ही वधिया जहा, बहुत ही मज़ेदार जहा साड़ा जरा ना मसाला तैयार हो गया। कीमा करेले करेले गोश्त का कीमा करेले मेरे मूँह बार बार आई जा रहा जी, तो यह माशाला जी अलहमदुल्ला इस तरीके असी सारा मसाला असी तैयार कर लिया। माशाला हर चीज़ बहुत वधिया जी गल गई है। ठीक है, हुण इत्थे जी असी शामिल करांगे इहदे विच करेले जिहड़े असी जिहड़े ना भुन के फ्राई करके ते एक साइड ते रखे हुए सीगे, इहनां नूं असी विच शामिल कर लवांगे। ठीक है जी, इहनां नूं वधिया जहा मिक्स कर लवांगे, चंगी तरह इहनां नूं मिला लवांगे इहदे नाल असी डोई दे नाल। ठीक है जी, इस तरीके नाल असी इहनूं हिला हिला के सारे मसाला जिहड़ा है ना वधिया जिहा मिक्स कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही वधिया लगते हैं, तुसी भी जरूर एक बार बना के ते जिहड़ा ना देखना ते मैनूं तुसी जरूर दसना। ठीक है जी, अलहमदुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार जे बनणगे। ते हुण असी इहनूं जी ढक के, तुसी पानी नहीं लगाना हैगा इहनूं, बस असी हल्की आँच ते इस तरह ही ढक के ते पका लवेंगे 5-6 मिनट तक। ठीक है जी, मैं इहनूं 5-6 मिनट तक पकाया, माशाला जी अलहमदुलिल्लाह साडे करेले गोश्त दी रैसपी जिहड़ी है ना ओह बिल्कुल तैयार हो गई आ अलहमदुलिल्लाह, बहुत ही वधिया ते बहुत ही आसान जे तरीके दे नाल मैं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਣਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਂ ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਏ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਉਨ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।